जिला कांगड़ा के निजी बस ऑपरेटर फिलहाल बसें नहीं चलाएंगे। निजी बस ऑपरेटर वेलफेयर सोसाइटी ने प्रदेश सरकार से न्यूनतम किराया 5 रुपए से बढ़ाकर 15 रुपए करने की मांग की है। ये निर्णय सोसाइटी की धर्मशाला में अध्यक्ष रविदत्त शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया। इस दौरान सर्वप्रथम भारत चीन सीमा पर शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए तथा 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। निजी बस ऑपरेटर ने इस दौरान चीन के खिलाफ नारेबाजी भी की। निजी बस ऑपरेटर फिर सोसाइटी ने प्रदेश सरकार का 4 माह का टैक्स माफ करने और बसों की पासिंग में छूट देने के लिए धन्यवाद करते हुए कहा कि 60% कैपेसिटी के बाद बसों का संचालन संभव नहीं है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि उत्तराखंड और पश्चिमी बंगाल की तर्ज पर बस का किराया बढ़ाया जाए। निजी बस ऑपरेटर वेलफेयर सोसाइटी जिला कांगड़ा के अध्यक्ष रविदत्त शर्मा ने कहा कि बैठक में शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 4 माह का टैक्स माफ करने और पासिंग में छूट देने पर हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। ये भी निर्णय लिया गया कि निजी बस ऑपरेटर अभी बसें शुरू नहीं करेंगे क्योंकि डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में 60% कैपेसिटी के साथ बसें चलाना संभव नहीं है। आज हमारी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा प्राइवेट बस ऑपरेटर वेलफेयर सोसाइटी की बैठक जो है वो धर्मशाला में हुई और जिसमें हमारा मेन एजेंडा तो सबसे पहले ये था कि जो चाइना बॉर्डर में गलवान घाटी पे जो हमारे शहीद सैनिक शहीद हुए हैं हमने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और कैंडल मार्च निकाला और उसके रिगार्डिंग हमारी ये मीटिंग थी आज यहाँ। और दूसरा इसके साथ साथ हमारी मीटिंग थी कि सबसे पहले तो हम सरकार का धन्यवाद करना चाहते थे जो सरकार ने हमें 4 महीने का टैक्स माफ़ किया है और पासिंग में भी जो हमें छूट दी है उसके लिए हम सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और तीसरी बात ये थी कि हमारा मीटिंग में ये था कि ये डिसाइड करना था कि हम लोग बस ऑपरेट करेंगे या नहीं करेंगे, तो इसके लिए हमने ये आज ये फैसला लिया है कि हम फिलहाल जो है वो अपनी बसेज ऑपरेट नहीं करेंगे क्योंकि 60% ऑक्यूपेंसी के हिसाब से हमारी जो बसेज हैं उससे तो हमारा डीजल खर्चा ही पूरा नहीं होने वाला है। दूसरी बात यह है कि डीजल के रेट पर डे बाई डे जो हैं वो बढ़ रहे हैं। अभी डीजल 7 रुपये पर लीटर महंगा हो चुका है, किराया हमारा वही है 5 रुपये हमारा जो है वो मिनिमम किराया है। हमने सरकार से ये मांग की है कि हमारा जो मिनिमम किराया वो 15 रुपये होना चाहिए और क्योंकि हिमाचल की जो भौगोलिक स्थिति है वो पहाड़ी क्षेत्र है ये और यहाँ पे तो 5 रुपये किराया जो है वो बिल्कुल ही सूट नहीं करता है। और बाकी की जितनी स्टेट्स हैं उत्तराखंड है वहाँ पे भी किराया बढ़ा है, बंगाल में मिनिमम किराया जो 20 रुपये हुआ है, तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारा भी किराया जो है वो बढ़े और जिससे कि हमें आर्थिक नुकसान ना हो सके। 60% ऑक्यूपेंसी के हिसाब से हमारा डीजल खर्चा भी पूरा होने वाला नहीं है।